All right, तो हमारा प्लान बना हरिद्वार ऋषिकेश जाने का, हमारा मतलब माय फ्रेंड विनायक एंड हिज फ्रेंड सचिन। तो हमने नेक्सा से गाड़ी उठाई, भाई का मतलब विनायक भाई ने नई गाड़ी ली, सुजुकी इग्निस। भाई साहब क्या गाड़ी है, बेरहम, मेरा तो दिल ही आ गया उस पर। मुबारक हो विनायक भाई। इस गाड़ी को ले जाना था हमने हरिद्वार, क्योंकि उनकी जॉब हरिद्वार में है, यहाँ पर नहीं, टू बी एग्जैक्ट सिडकुल में, जो हरिद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया है। तो हम निकल पड़े हरिद्वार की तरफ, गाड़ी मैंने चलाई और मजा आ गया। इसका पुश बटन, इसका लुक, इसकी इसकी मजा आ गया। मैंने इसके बारे में क्रिएटरशेड पे वीडियो भी बनाई है, देख लो जाके। ऑलराइट, बहुत हो गया प्लग इन, 8 घंटे में कैसे हम हरिद्वार पहुंच गए पता ही नहीं चला। यही मजा आता है दोस्तों के साथ सफर करने का। तो वी आर्ट एयर हरिद्वार, और टेक्निकली हम भाद्राबाद में हैं, भाद्राबाद हरिद्वार का इंडस्ट्रियल एरिया है। आज का प्लान वैसे ऋषिकेश जाने का है, तो ले चलता हूँ तुम्हारे को जर्नी में, क्या क्या है देखने लायक ऋषिकेश में। वाह क्या इंट्रो थी, वेरी एनर्जेटिक। टच करेंगे और लाल होएंगे नीचे। ये मिला देते हैं यार, इनका पता नहीं क्या है। मैं बस इतना तो करने लगा कि मैं ये ना ये मिला देता हूँ, मेरी टांग बस ये नहीं होता मेरे पर ये वाला ना ये आ जाता है बीच में। हाँ ये आ जाता है चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, और आपको भी ले चलते हैं, थोड़ा बहुत नज़ारे आपको भी दिखा देते हैं। एक वहाँ पे फेमस कौन सा चोटी वाला रेस्टोरेंट है वो भी दिखाते हैं, गंगा जी भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको। राम झूला, लक्ष्मण झूला है पूरा ट्रेवल व्लॉग होने वाला है इस बार। नोप, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है। स्टार्ट किया हमने इतनी बड़ी शिव जी की मूर्ति के साथ, और धर्म के बारे में बात की, पिछली वीडियो बनाई है जाकर देख लो धर्म के ऊपर। ये मूर्ति हरिद्वार में है, अभी बस यही देखा, इसके बाद हम चल पड़े ऋषिकेश की तरफ। हरिद्वार में गंगा की आरती वापसी में देखते हैं। भाई रास्ते बहुत प्यारे हैं ऋषिकेश के, जंगल हाइड्रो प्रोजेक्ट से गुजरते हुए, कच्चे रास्तों से गुजरते हुए इग्निस की पूरी टेस्टिंग हो गई। इस सफर के बाद हमें लगी भूख, तो हम एक स्नैक ब्रेक लेके इग्निस को पार्क करके गंगा व्यू कैफे में गए। उधर से नजारा इतना रिलैक्सिंग था, इतना ज्यादा रिलैक्सिंग था कि मन ही नहीं कर रहा था वहां से उठने का, तो कुछ देर वहीं पर बैठे रहे। चलो बहुत बैठ लिए, हर्षित भाई ने बिल चुका है, तो दूसरे दोस्तों का रिएक्शन कुछ इस तरह का था। उसके पैसे निकलवा रहे हो? ओ विनायक, शेम ऑन यू। ओ ओ बदले वाली छुट्टी करके मुंह पे डाल दी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ऐसा अक्सर देखा जाता है दोस्तों के बीच में। इसके बाद हमने सनसेट का नज़ारा देखा, भाई मज़ा आ गया। इंस्टाग्राम फोटोज के लिए इसके बाद मैंने एक टी शर्ट ली। और एक साइज बड़ा चाहो तो एक साइज, एक साइज, एक साइज बड़ा साइज नहीं, मानसू बड़ा साइज। हाँ ये ग्रे 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 नहीं बाबे, ग्रे ग्रे अच्छी है ना। छोटी वाले के साथ मजा करके राम झूला और लक्ष्मण झूला देखा, पता नहीं क्यों पर बेरहम था। ऋषिकेश में बहुत सारी जगह बेरहम है, जाकर देखना। हर की पौड़ी में गंगा की आरती के लिए तो लेट हो गए थे, इसलिए हम नेक्स्ट इवनिंग वहां पे पहुंचे। यार हर की पौड़ी का ना माहौल ही कुछ और है, यू नो कुछ मैजिकल सा है। गंगा बह रही है, खुशबू चल रही है, सारी जगह रोशनी ही रोशनी है, बस आनंद ही आनंद। आनंद में भंग पाने जाते कुछ सेलेब्स, बिकॉज ऑफ देम आरती आधे घंटे लेट हुई। चलो छोड़ो, हम डुबकी का आनंद लेते हैं। इट वॉज सो रिलैक्सिंग। हरिद्वार बेशक भक्त बन के मत जाओ, बट उसके एटमोसफेयर का मजा लेने जाओ। इट इज, यू नो, इट इज मैजिकल एंड सो रिफ्रेशिंग। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। बस स्टैंड नज़दीक था, तो 8:45 की बस में मैं शिमला के लिए निकल पड़ा हरिद्वार से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक मारो, और सब्सक्राइब जरूर कर दो, जो नीचे लाल बटन है, थोड़ी मोटिवेशन थोड़ी बढ़ाओ है, तो जो लाल बटन है उसको दबा दो, उसके बाद घंटी आएगी उसको भी टिंग कर देना।
और मिलता हूँ तुम्हारे को किसी और वीडियो में. टिल देन दिस इज हिमांशु साइनिंग आउट. ये कौन सा आसन भाई? शीर्षासन. रामदेव शर्मा जाएगा.